नमस्कार, मैं हूँ आयुषी और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। आईपीएल के 13वें सीजन का पहला डबल हेडर यानी एक दिन में दो मैच आज से शुरू होगा। पहला मुकाबला दोपहर में राजस्थान रॉयल और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा, वहीं दूसरा मैच दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। सीजन में इन चार टीमों ने अब तक तीन मैच खेले, जिनमें दो मैच जीते और एक में हार मिली। हेड टू हेड में पिछले तीन मैचों की बात करें तो आरसीबी के खिलाफ राजस्थान ने तीनों मुकाबले जीते हैं, वहीं दिल्ली ने भी कोलकाता को पिछले तीन मैचों में शिकस्त दे दी। लीग में राजस्थान रॉयल का सक्सेस रेट 51.68 है। राजस्थान ने कुल 150 मैच खेले, जिसमें से 77 में उसे जीत मिली और 71 में हार का सामना करना पड़ा। वहीं आरसीबी का सक्सेस रेट 47.50 है। बैंगलोरो ने कुल 184 मैच खेले, जिसमें 86 में उसे जीत मिली और 94 में हार का सामना करना पड़ा। बात अगर सक्सेस रेट की करें तो लीग में कोलकाता का सक्सेस रेट 52.76 है। कोलकाता ने कुल 181 मैच खेले, जिसमें से 94 में उसे जीत मिली और 87 में हार का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली का सक्सेस रेट 44.10 है। दिल्ली ने कुल 180 मैच खेले, जिसमें से 79 में उसे जीत मिली और 99 में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली अकेली ऐसी टीम है जो अब तक फाइनल नहीं खेल सकी। हालांकि दिल्ली टूर्नामेंट के शुरुआत में दो सीजन यानी 2008 और 2009 में सेमीफाइनल तक पहुंची। वहीं आरसीबी ने 2009 और 2011 में फाइनल खेला। 2016 में विराट की कप्तानी में भी टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन हर बार टीम की किस्मत खराब रही। वही राजस्थान एक बार यानी 2008 और कोलकाता दो बार यानी 2012 और 2014 में खिताब जीत चुकी है। आगे के आईपीएल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सबरंग के साथ। धन्यवाद।